कंठई के कारण सुनील सराफ ने जो इस क्षेत्र को अपनी बनावटी की तरह चलाने का प्रयास किया, उसके विरोध में हमारे जैसे जो जागरूक लोग हैं उन लोगों ने इस ध्वज को उठाने का कार्य किया। हम विधायक बना रहे हैं, हम अपना दमाद नहीं बना रहे किसी को, हम अपनी जमीन नहीं दे रहे किसी को, हम विधायक बना रहे हैं। तो विधायक का अर्थ है कि उसको हमारे सामने झुकना होगा, चाहे वो मनोज अग्रवाल जी हो और चाहे वो सुनील सराफ जी हो। अगर कोई विधायक हमारे सामने नहीं झुक रहा तो हम भी उसके सामने नहीं झुकेंगे। अब उसको पैसा कमाने के लिए विधायक हमने नहीं बनाया हुआ है कि जी भैया जी तुम्हारे पास बन गया हमारे। हम जब तक अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, हमारी ताकत है, लोग कहते हैं पंडित नेहरू ने कहा, गांधी जी ने कहा कि आपका एक वोट और मनोज अग्रवाल जी का एक वोट, दोनों की ताकत एक बराबर है। दोनों की ताकत एक बराबर है, मनोज अग्रवाल जी की भी और आपकी एक वोट, लेकिन आपकी एक वोट से हम विधायक बना देते हैं। आपने 5 साल देखा एक कैसा उद्दंड आदमी जो कल तक हमारे चरणों में बैठा करता था, जो हमारे चरण को छूकर बड़ा प्रसन्न हुआ करता था, आज वो हमको भाजपा का दलाल बोलता है। मैं जेपी श्रीवास्तव 2013 में मनोज अग्रवाल के चुनाव में 45 पोलिंग बूथ का प्रभारी था और सुनील सराफ के चुनाव में 53 पोलिंग बूथ का प्रभारी था, लेकिन जब मैं उसका साथ छोड़ा तो मैं भाजपा का दलाल हूं। इस तरह का अगर कोई बात जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे तो बात स्वीकार नहीं है। जो भी आत्म सम्मान से जीने वाला व्यक्ति है उसको ये सब बात को स्वीकार नहीं करना होगा। जब हाथ सड़ने लगे, जब आपका हाथ सड़ने लगे तो उसको क्या करना चाहिए, इस जीवन को बचाने के लिए उस हाथ को काट देना चाहिए। सुनील सराफ उसी तरह का कोड है। अगर सुनील सराफ को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो हमने बड़े नेताओं को कहा है कि अगर सुनील सराफ को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो आप लोग ये मान लेना कि कोतवा विधानसभा से कांग्रेस का विधायक नहीं जीतेगा। जेपी भैया, जेपी भैया, हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि हमको सबसे पहली लड़ाई लड़नी है कि हमको कांग्रेस पार्टी, देखिए चुनाव 15 लोग लड़ेंगे। अभी हमारे गर्ग महाराज कह रहे थे कि बीएसपी का भी चुनाव लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, गोडवाना गठबंधन पार्टी भी लड़ेगी, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी लड़ेगी, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। 2008 में मनोज भैया 1500-1200 वोट से हार गए, तो हार गए तो विधायक नहीं थे, भाजपा का विधायक था। 2013 में जीत गए तो ये विधायक बन गए और भाजपा के चुनाव लोग हार गए। 2018 में फिर से हमारा विधायक बन गया, लेकिन 2023 में हम चेहरे पर भी चुनाव लड़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि पड़ोस में अगर गंदगी है तो आप ये मत सोचिए कि उस गंदगी की गंध आपके मुंह तक नहीं आएगी। आप शांत अगर रह के बैठेंगे तो उसका आपको नुकसान होना है। अगर आपका हाथ सड़ रहा है तो उस हाथ को काटने की जरूरत है। और वर्तमान विधायक और उसके चमचे इस कोतवा शहर को गंदा कर रहे हैं, कोतवा विधानसभा को उन्होंने खराब कर दिया है। आप समझिए चीजों को, हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए मैं कालरी में नौकरी करता हूँ, 1.5 लाख रुपया सैलरी पाता हूँ, मनोज भैया बोलते हैं कि उनको पैसा पा रहा था, हमको क्या फर्क पड़ता है कौन विधायक बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन एक आत्म सम्मान की लड़ाई, एक सम्मान की लड़ाई है। विधायक जो बनता है जिंदगी भर माननीय विधायक कहलाता है, हम नहीं कहलाते। अभी माननीय विधायक मनोज अग्रवाल जी है तो माननीय ही है, और अभी वाला जो बना है ये कितनों गंदा रहेगा लेकिन ये भी सारा माननीय कहलाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता कि ये जो बैठक है ये बड़ी मेहनत से बैठक बुलाई गई और इस बैठक का दो ध्येय है। पहला लक्ष्य है कि हमको 2023 में अपना विधायक चाहिए, वो विधायक मनोज अग्रवाल हो सकते हैं। हम लोग इनके लिए प्रयास करेंगे, हम लोग दौड़ जा रहे हैं,
कि 2023 में कांग्रेस फिर से मनोज अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाए, ये हमारा पहला लक्ष्य है। और हमारा दूसरा लक्ष्य है कि हो सकता है कि हम फेल हो गए, क्योंकि टिकट देना और लेना हमारे हाथ में नहीं है। टिकट कौन देगा आपको पता है? राजा जी आप बताइए टिकट कौन देगा? अमरनाथ जी देंगे भोपाल से। तो मान लीजिए हमको टिकट नहीं मिली हमारे प्रत्याशी को, और फिर से ये गंदा आदमी कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बन के आ गया, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिर हमारी आपसे कब भेंट होगी पता नहीं, कि अपने दिमाग में संकल्प करके जाइए कि हाथ जो है सड़ रहा है उस हाथ को काटना है। अगर सुनील सराफ फिर से टिकट लेके आता है तो हमको उसको हरवाने का काम भी करना है, हम उसको जितवाने के लिए नहीं बैठे हैं, कांग्रेस के नाम पर उसको जितवाएंगे। हम ऐसे गंदे आदमी को एक बार जब उसका नाश कर देंगे तो जो 28 में नई फसल आएगी वो एक बहुत ही प्यारी बहुत ही मीठी फसल होगी, वो कीमत करेगी आपकी। वरना अभी तो ऐसे लंथिंग चलता रहता है, कांग्रेस का सुनील सराफ फिर से टिकट लेके आएगा उसको ये लगेगा कि अरे सब लोग तो कांग्रेस को वोट करेंगे कहां जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा लाइव चल रहा है कि मेरी बात लोगों तक जाए कि अगर किसी केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से इसको रिपीट किया तो हम इसको हरवाने का काम करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम गंदे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम पहला प्रयास करेंगे कि हम एक अच्छे